प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के हित में अवैध सुदखोरों के विरुद्ध कड़ी और सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में झाबुआ पुलिस भी सुदखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मोड में काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ आशुतोष गुप्ता ने इसे गंभीरता से लिया और समस्त थाना प्रभारियों और SDOP को ऐसे सुदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। चूंकि हमारे जिले की भोली भाली जनता बैंक की कागजी प्रक्रियाओं से ज्यादा परिचित नहीं है, इसका लाभ सुदखोर उठाने का प्रयास करते हैं और यहाँ की जनता को ब्याजखोरी के चुंगल में फंसाने का काम करते हैं। इसी क्रम में झाबुआ पुलिस ने अवैध सुदखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। झाबुआ पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के पालन में अवैध सुदखोरों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनसे नकदी करीब 12,41,000 रुपये जब्त किए गए। ये सभी लोग जो है हमारे बड़े वाले आदिवासी लोग खुश लाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि यदि किसी के साथ भी ये ठगी हुई है तो वह सामने आए और थाने में तत्काल सूचना दें। अभी तक 5 अपराध इन्हें पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और भी पंजीबद्ध होंगे। किस प्रकार के ब्याज वसूल करते हैं ये जो है, एक तरीके से आप मान लीजिए 120% जो है ब्याज दर वसूल करते थे और टोटली अवैध है और इनके ऊपर जो है कार्रवाई करके आज जो है इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।